वेलेंटिस यहाँ कैंसर को मात देने में पूर्णतः सक्षम रेजिडेंट टोमोथेरेपी मशीन से इलाज किया जाता है। टोमोथेरेपी कैंसर रोगियों के लिए किसी वरदान से कम नहीं। कैंसर मरीजों के लिए समर्पित उत्तरी भारत का एकमात्र हॉस्पिटल वेलेंटिस, मवाना रोड, मसूरी, मेरठ। नमस्कार, मैं शिवानी और आप देख रहे हैं फर्स्ट बाइट डॉट टीवी। आइए नजर डालते हैं आज कुछ प्रमुख खबरों पर। लखनऊ के 5-स्टार रेडिसन होटल में 9 कर्मचारी मिले कोरोना संक्रमित। देश में एक बार फिर से कोरोना के बढ़ते प्रकोप ने लोगों की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। अब राजधानी लखनऊ से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां कैंट रोड स्थित रेडिसन होटल के 9 कर्मचारी मंगलवार को कोरोना संक्रमित पाए गए। मामला सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग में हरकत मच गया। वहीं होटल पहुंचकर स्वास्थ्य विभाग की टीम ने कर्मचारियों के नमूने लिए। बता दें कि जिस होटल में बॉलीवुड अभिनेत्री महिमा चौधरी रुकी हुई थी, उस होटल के ही 9 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। पिता ने किया अपनी पत्नी एवं 2 बेटियों पर हथौड़े से प्रहार, उतारा मौत के घाट। मामला शिकारपुर का है, जहां पत्नी शकीला एवं 2 बेटियां रजिया एवं शबाना की मौके पर ही मौत हो गई। तीसरी बेटी फातिमा गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसे जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। बताया गया है कि रात करीब 12:30 बजे के करीब की है घटना। SSP संतोष कुमार सिंह ने घटना स्थल का निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि अभी तक की जांच पड़ताल में सामने आया है कि आरोपी पिता को अपनी दोनों बेटियों के चरित्र पर शक था। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। दिल्ली MCD उपचुनाव में आपका चौका, मारी बाजी। दिल्ली नगर निगम उपचुनाव के नतीजे आ गए हैं। अब आम आदमी पार्टी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 5 में से 4 वार्ड में जीत दर्ज की है, जबकि 1 सीट कांग्रेस के खाते में गई, जबकि BJP का खाता नहीं खुला है। इस जीत के बाद आप कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाना शुरू कर दिया है। कार्यकर्ताओं ने नारे लगाए, हो गया काम, जय श्री राम। वहीं आपकी इस जीत पर डिप्टी CM मनीष सिसोदिया ने कहा, MCD उपचुनाव में 5 में से 4 सीटें जीतने पर आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं को बधाई। कांग्रेस लेफ्ट और ISF गठबंधन का फॉर्मूला तय। पश्चिम बंगाल विधानसभा उपचुनाव 2021 के लिए आज कांग्रेस और लेफ्ट गठबंधन का फॉर्मूला तय हो गया है। सूत्रों के मुताबिक लेफ्ट पार्टियां 165 सीटों पर चुनाव लड़ेंगी, वहीं कांग्रेस को 92 सीटें दी गई हैं। बड़ी बात यह है कि परपुरा शरीफ दरगाह के फौज ज्यादा अब्बास सिद्दीकी की पार्टी इंडियन सेक्युलर फ्रंट को 37 सीटें मिली हैं। गौरतलब है कि ISF को पहले 30 सीटें दी गई थी, लेकिन इसके लिए वो राजी नहीं हुए थे। इसके बाद 7 सीटें और बढ़ाई गई हैं। सीट का फॉर्मूला तय होने के बाद 8 मार्च को पहले 2 चरणों के चुनाव के लिए 60 उम्मीदवारों की लिस्ट आ सकती है। हाथरस गोलीकांड के आरोपी पर 1,00,000 का इनाम घोषित। उत्तर प्रदेश के हाथरस में बदमाशों की गोली का शिकार बने अमरीश के हत्यारों पर आज इनाम घोषित किया गया है। पुलिस द्वारा हाथरस कांड के मुख्य आरोपी गौरव पर 1,00,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया है। इसके अलावा 2 अन्य आरोपियों पर 25,000 का इनाम घोषित किया गया। बता दें कि हाथरस में बेटी के साथ हुई छेड़छाड़ का मुकदमा दर्ज कराने पर बदमाशों ने अमरीश की हत्या कर दी थी। वहीं पीड़ित लड़की ने सवाल किया है कि आखिर पुलिस आरोपी को क्यों नहीं पकड़ रही है, उनका एनकाउंटर होना चाहिए। हमारे घर तो पुलिस तैनात है, लेकिन जब पुलिस चली जाएगी तो कौन हमें बचाएगा। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए फर्स्ट बाइट डॉट टीवी और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।